गाइज अगर आपके BSNL सिम में ई दिखा रहा है या फिर एच प्लस दिखा रहा है तो फिर कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद आप 4G ला सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना है और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ कैसे आप BSNL में लव इंटरनेट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और अगर ई दिखा रहा है, एच प्लस दिखा रहा है तो इसे ठीक करने के बाद आप 4G कैसे ला सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में लाइव प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे फोन में यहाँ पर नेटवर्क में ई दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पर इसे 4G में लाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, हम अपने फोन में एक बार सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टच करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना BSNL सिम सेलेक्ट करना है। ये जरूरी नहीं है सिम 1 में हो, सिम 2 में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वो पोर्ट सेलेक्ट करना है जिस पोर्ट में आपने अपना BSNL सिम डाला है। तो मैं यहाँ पर BSNL सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हमारे सामने ये सेटिंग्स आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम पर टच करेंगे और एक्सेस पॉइंट नेम पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर दो BSNL APN सेटिंग है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर BSNL MMS सेटिंग है, सेकेंड हमारे पास यहाँ पर BSNL मोबाइल कनेक्ट सेटिंग है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले BSNL मोबाइल कनेक्ट पर टच करना है और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले नेम पर टच करना है और आपको यहाँ पर जो पहले नेम दिखाई देगा इसे हटा देना है। यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में लिखना है BSNL इंटरनेट। आप यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखेंगे BSNL इंटरनेट, उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। अब आप यहां पर नेक्स्ट सेटिंग APN पर टच करेंगे, आप यहां पर BSNL नेट लिखेंगे। पहले आप BSNL लिखेंगे उसके बाद नेट लिखेंगे और आपको ये छोटे अक्षरों में लिखना है। BSNL का B आपको बड़ा लिखना है और नेट का N आपको बड़ा लिखना है, फिर आप यहां पर ओके पर टच करेंगे। अब आपको यहां पर अगली सेटिंग दी गई है प्रोक्सी। प्रोक्सी आप ब्लैंक छोड़ देंगे, पोर्ट आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर, MMSC भी आप ब्लैंक छोड़ेंगे और MMS प्रॉक्सी भी आप ब्लैंक छोड़ेंगे, MMS पोर्ट भी आप ब्लैंक छोड़ेंगे और MCC सेटिंग में आपको 405 टाइप करना है। MNC सेटिंग में आपको 666 टाइप करना है और ऑथोराइजेशन टाइप पर टच करने के बाद आपको यहां पर नन सेट करना है और APN टाइप पर टच करने के बाद आप यहां पर डिफॉल्ट लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे SUPL और ओके पर टच करेंगे। अब आप यहां पर APN प्रोटोकॉल सेटिंग देख सकते हैं। APN प्रोटोकॉल सेटिंग पर आप टच करेंगे और यहां पर आप IPv4 IPv6 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप यहां पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर टच करने के बाद IPv4 IPv6 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां पर बैरियर पर टच करेंगे और सभी को आपको अनटिक करना है, केवल आपको ऊपर वाली फीचर पर टिक मार्क करना है और ओके कर देना है। अब आप यहां पर MVNO टाइप पर टच करेंगे और आप यहां पर नन सेट करेंगे और आपकी जो VPN सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको ये VPN सेटिंग को सेव करना है, अगर आप ऐसे ही बैक आ जाते हैं तो आपकी जो VPN सेटिंग है सेव नहीं होगी और पुरानी ही VPN सेटिंग आपके फ़ोन में रहेगी। तब आप मुझे कमेंट में बोलेंगे भाई आपकी जो VPN सेटिंग है वो वर्क नहीं करता है। VPN सेटिंग तब वर्क करता है जब आप इसे सेव करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा आप सेव कैसे करेंगे। पहले आप यहाँ पर मोर पर टच करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सेव पर टच करेंगे तो आपने जो अभी BSNL की सेटिंग की है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से बैक करना है और आपको यहाँ पर प्रोसेस नेटवर्क टाइप पर टच करना है। यहाँ पर आपको प्रेफर LTE पर टच करना है और जैसे ही आप यहाँ पर प्रेफर LTE पर टच करेंगे तो आपके BSNL सिम में 4G नेटवर्क पकड़ने लगेगा। अगर जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पर 4G की रेंज है, जिस जगह आप रहते हैं अगर कम रेंज भी वहाँ पर है तब भी आपके फ़ोन में यहाँ पर 4G आसानी से पकड़ लेगा। अब यहाँ पर आप अपने BSNL में नेट चलाएंगे तो आपका नेट बिल्कुल फास्ट स्पीड में चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तब भी प्रॉब्लम करता है तो आपको एक काम और कर लेना है, किसी और भाई के फ़ोन से अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के बाद आप यहां पर सर्च करेंगे BSNL सेल्फ केयर। जैसे आप यहां पर BSNL सेल्फ केयर सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर BSNL सेल्फ केयर सर्च करता हूं, मैंने यहां पर BSNL सेल्फ केयर सर्च किया तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें अपना BSNL नंबर डालना है। BSNL नंबर डालने के बाद आपके BSNL नंबर पर OTP आएगा और वो OTP डालने के बाद जब आप वेरीफाई करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है आपके फोन में ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हमारे सामने ये इंटरफेस आ रहा है। भाषा सेट करने के बाद मैं प्रोसेस पर टच करता हूँ और यस पर टच कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं तीर के निशान पर टच करता हूँ और हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है। वो OTP हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर
अब हमारा जो फोन नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है, हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे तो आपके फोन में BSNL का जो ऐप है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है, आपने जो भी रिचार्ज कराया है आपका जो रिचार्ज है उसमें अनलिमिटेड डेटा होना चाहिए, तब जाके आपके BSNL सिम पर 4G वर्क करेगा। और आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक इसमें फीचर मिलेगा अपग्रेड 4G, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपग्रेड सिम टू 5G सर्विस, हमें यहाँ पर ये फीचर दिया गया है। यहाँ पर टच करने के बाद आप अपने 3G सिम को 4G में अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसके बाद आपके BSNL सिम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो BSNL सिम है उसमें 4G प्रॉपरली वर्क करेगा। और जो स्लो स्पीड की प्रॉब्लम थी या फिर H+ की प्रॉब्लम थी, ई नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सब प्रॉब्लम आपके ठीक हो जाएंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अभी भी इस वीडियो को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा और आपकी हेल्प करने में मुझे दिल से खुशी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।